आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ से पेटीएम पेमेंट का अकाउंट यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। अगर फ्रेंड यहाँ से आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं तो इस वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। यहाँ से अगर आप एटीएम लेते तो एटीएम का चार्ज कितना देना पड़ता है, यहाँ से एटीएम अगर आप फिजिकल मंगाते तो उसका चार्ज कितना देना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज क्या रहता है, चेकबुक में आपको कितना चार्ज देना पड़ता है और एसएमएस अलर्ट चार्ज क्या रहता है, मैं कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से पेमेंट बैंक से रिलेटेड जितने भी चार्ज रहते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। सो फ्रेंड, अगर आप भी यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके यहाँ से सारे चार्ज के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चार्ज रहते हैं, सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या चार्ज रहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगर आप यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कराते हैं, जैसे फ्रेंड आपको भी पता होगा यहाँ से अगर आप पेटीएम पेमेंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक भी रुपये चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही फ्रेंड, अगर आप यहाँ से पेटीएम पेमेंट में कुछ आप पैसे रखते हैं जितने भी, तो उसमें आपको यहाँ से 2.75% के यहाँ से आपको यहाँ से पर ईयर आपको यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसका फ्रेंड एसएमएस अलर्ट चार्ज आपको यहाँ से पे करना पड़ता है 10 रुपये पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब ये होता है फ्रेंड कि हर तीसरे महीने आपको यहाँ से 10 रुपये एसएमएस अलर्ट चार्ज को भी पे करना पड़ता है। इस चार्ज को फ्रेंड अगर आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको यहाँ से एसएमएस अलर्ट चार्ज बंद करने का भी आपको यहाँ से ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद इधर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है एटीएम में ट्रांजेक्शन रिलेटेड कितने चार्ज रहते हैं, जिनमें देख सकते हैं ये अदर जो बताया जा रहा है, जिनमें यहाँ से मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, इनमें फ्रेंड रहते हैं तो आपको यहाँ से 3 ट्रांजेक्शन आपको पर मंथ फ्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे एटीएम से तो आपको यहाँ से चार्ज पे करना पड़ेगा। कैश विड्रॉ में आप फ्रेंड यहाँ से 20 रुपये चार्ज देना पड़ता है, जिनमें मिनी यहाँ से मिनी स्टेटमेंट बैलेंस यहाँ से पिन चेंज में आपको 8 रुपये पर टैक्स यहाँ से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। और अगर फ्रेंड अदर की बात करें तो अदर में आपको यहाँ से 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, जो ऊपर आपको 6 सिटीज बताएगी उनको छोड़ के आप 5 ट्रांजेक्शन यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड इनमें भी आप देख सकते हैं चार्ज के बारे में सेम यहाँ से बताएगा, सेम आपको यहाँ से चार्ज पे करना पड़ता है। यहाँ से बताया गया जैसे पेटीएम पेमेंट एटीएम्स के बारे में बताया, लिखा गया अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन यूजिंग पेटीएम पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, यानी पेटीएम पेमेंट डेबिट कार्ड की तरह से आप इसे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट को यूज करके। अब इसका फ्रेंड यहाँ से हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड अगर यूसू करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। यहाँ फ्रेंड आप सबको पता होगा, अरे यहाँ से डिजिटल डेबिट कार्ड यहाँ से आप यूसू कराते हैं, नहीं आपको जब भी अकाउंट ओपन कराते हैं अपने पेटीएम पेमेंट को फुल KYC करवाते हैं, चाहे फ्रेंड आप वीडियो KYC के माध्यम से करवाएं या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएं, तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ से आपको डिजिटल डेबिट कार्ड जाता है जो कि आपको फ्री रहता है। और फ्रेंड यहीं अगर आप यहाँ से फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो तो यहाँ से देखते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड को इशू कराने का आप चार्ज यहाँ से 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ओनली फॉर इंस्टेंट डेबिट कार्ड के लिए। लॉस अगर आप आपका कार्ड यहाँ से लॉस्ट हो जाते हैं, आपका कार्ड गुम हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, फिर यहाँ से आपको कार्ड नहीं सेकेंड मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ से 250 रुपये आप उसका चार्ज भी यहाँ से देना पड़ेगा। एनुअल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उनमें 150 रुपये का आपको यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर लिमिट की बात करें फ्रेंड, यहाँ देखते हैं आपको डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट आपको इसमें 1 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इन स्टोर जिसको POS बोलते हैं, अगर उसमें बात करें डेली ट्रांजेक्शन लिमिट की, इसमें फ्रेंड आपको 1 लाख रुपये तक कैश में आपको डेली ट्रांजेक्शन लिमिट भी मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम ऐसे बात करते हैं डेली ATM विड्रॉ यहाँ से भी यहाँ से लिमिट की, तो यहाँ से आपको 25,000 मिल जाता है इंक्लूडिंग, यहाँ से इनमें भी इंक्लूड रहता है जो 5,000 का आपको माइक्रो ATMs करते हैं उसको भी यहाँ से इंक्लूड किया गया है। अब इसका फिर हम बात कर लेते हैं चेकबुक से रिलेटेड चार्ज के बारे में। यहाँ देखते हैं चेकबुक से रिलेटेड चार्ज बताएगा, अगर यहाँ से 10 लिफ्ट बुक आप मंगाते हैं तो 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, 25 का आपको 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा 25 पेज का। अरे फ्रेंड और आप चेकबुक मंगाते हैं रिटर्न चार्ज डू है तो फाइनेंशियल रीजन, तो आपको यहाँ से 300 रुपये आपको यहाँ से चार्ज पे करना पड़ेगा। ये चेकबुक से रिलेटेड आपको यहाँ से इतने चार्ज लगते हैं। यही फ्रेंड अगर बात की जाए IMPS, UPI, NEFT या फिर किसी यहाँ से लिखा गया अनदर पेटीएम पे किसी अदर अकाउंट में आपको यहाँ से ट्रांसफर करते हैं फिर पेटीएम वैलेट में ट्रांसफर करते हैं, तो आप चारों चीज़ें बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। नहीं अगर बात की जाए डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की, तीन में आपको 1% का फिर चार्ज पे करना पड़ता है जो कि मिनिमम आपको 10 रुपये यहाँ से चार्ज पे करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, यहाँ से एड मनी, ये सब आपको यहाँ से फ्री रहता है, इसमें 1 रुपये का चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। KYC होम विजिट सर्विस, नहीं अगर KYC के लिए होम विजिट सर्विस करते हैं यहाँ से आपको 150 रुपये का यह चार्ज आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेटीएम वैलेट से बैंक में अगर पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं आपको यहाँ से लिखा है, आपको बताया जा रहा है कि पेटीएम वैलेट टू बैंक ट्रांसफर आपको KYC कस्टमर के लिए अगर वैलेट टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आपको 5% का चार्ज पे करना पड़ेगा। यही पेटीएम वैलेट टू बैंक का ट्रांसफर करते हैं बिजनेस पार्टनर के साथ एज पर टर्म एंड विथ आपको यहाँ पार्टनर के हिसाब से आपको यहाँ से कभी चार्ज आपको देना पड़ सकता है, फिर कभी आप यहाँ से फ्री में भी आपको यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फ्रेंड यहाँ से आपको पता होगा पेटीएम वैलेट के बारे में, अगर लोडिंग मनी करते हैं क्रेडिट कार्ड के भी यहाँ से तो आपको 1,00,000 मिल जाता है ओवर लास्ट 30 डेज में, एक महीने में आप यहाँ से 1,00,000 कर सकते हैं। अरे लोडिंग मनी आप करते हैं यूजिंग सिग्नल यहाँ से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए तो 1,00,000 इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं 30 दिन के लिए। इसका फ्रेंड ये कुछ चार्जेस बताए जिनमें सेविंग अकाउंट अगर यहाँ से बात करें तो इनमें देख सकते हैं लिखा गया है लोड मनी आप कर सकते हैं जिनमें यूज कर सकते हैं यहाँ से अप टू 10,000 रुपये पर कार्ड, यहाँ से अप टू 10,000 रुपये पर मंथ आप इसे पर कार्ड पर मंथ आप इसे 10,000 रुपये यूज कर सकते हैं। यानी कॉर्पोरेट करंट अकाउंट की अगर बात करते हैं देखते हैं यहाँ से 1.5 करोड़ तक के यहाँ से ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया है। तो फिर यह था कुछ चार्जेज जो यहाँ से पेटीएम पेमेंट यहाँ से रिलेटेड जो भी पेटीएम पेमेंट की तरफ से चार्ज किए गए हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ। उम्मीद करते फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें, में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें चाहे इंस्टाग्राम पर वहां पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाता है। जितने भी नए अपडेट रहते हैं टाइम टाइम टेलीग्राम आपको अपडेट करता है तो हमें जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा। और आपकी मैंने कोई क्वेरी तो हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक किया जिससे वो जितने भी नए अपडेट आते हैं उसके पहले आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, टेक केयर।